नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के 12 जिलों में गिरा भूजल स्तर। बराबर की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की तैयारी शुरू। अब पटना के स्कूलों में होगी साइबर सुरक्षा का पाठ। राज्य में एयरपोर्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। सौरभ गांगुली ने विराट कोहली को दिया तीखा जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के खाते में आज से ही डल जाएगी अप्रैल महीने की सैलरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ईद के त्योहार को देखते हुए राज्य के सभी राज्य कर्मचारियों को अप्रैल महीने की सैलरी का भुगतान 18 अप्रैल यानी कि आज से देने की शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि त्योहार को अच्छे से मनाया जा सके। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से निर्देश भी जारी कर दिया गया था, यानी कि आज से राज्य कर्मचारियों को उनकी इस महीने यानी कि अप्रैल महीने की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए वित्त विभाग के सचिव कुमार सिंह के द्वारा राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानसभा और परिषद के सचिव, पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, दम और कोषागार पदाधिकारी को बीते दिन निर्देश जारी किया गया था। जमुई में SBI की शाखा से 16 लाख की लूट। इन दिनों राज्य में लूट की वारदातों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के जमुई का है, जहां बेखौफ हथियारबंद अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े जिले के चकाई बाजार स्थित SBI शाखा में लूट को अंजाम दे दिया गया। इस दौरान अपराधियों के द्वारा 12 लाख का सोना और 16 लाख रुपए की लूट की गई। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों की संख्या 5 थी, जो 2 बाइक पर सवार होकर SBI शाखा पहुंचे थे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने अपने कब्जे में चौकीदार को लिया और फिर कैशियर को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद लॉकर खुलवाकर लूट को अंजाम दिया। वही घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक से गिरिडीह रोड की तरफ से भाग निकले। हालांकि घटना की जानकारी मिलने पर चकई थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। बिहार के 12 जिलों में गिरा भू जल स्तर। अप्रैल का महीना चल रहा है और ऐसे में अभी से ही लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, और अब गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि बिहार के 12 जिलों में भू जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है। बता दें कि इस बात की जानकारी PHED के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से सामने आई है। मालूम हो कि राज्य के जिन 12 जिलों में पानी के स्तर में 2022 के तुलना में 2023 में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, उनमें बिहार शरीफ में 13 फुट 1 इंच, हिलसा में 7 फुट 8 इंच, गया में 7 फुट, नवादा में 6 फुट 2 इंच, औरंगाबाद में 5 फुट 2 इंच, जहानाबाद में 4 फुट 5 इंच, अरवल में 5 फुट 9 इंच, मुंगेर में 4 फुट 7 इंच, जमुई में 6 फुट 8 इंच, भागलपुर पूर्व में 2 फुट 3 इंच, भागलपुर पश्चिम में 5 फुट 7 इंच और समस्तीपुर में 5 फुट 5 इंच भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इन जिलों में अधिकारियों की टीम बनाकर हर दिन रिपोर्ट तैयार कर रही है। तेल गोदाम में लगिया चपेट में आए कई घर। बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी के मंगल तालाब के पास आज की सुबह भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही दमकल की 12 गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच राहत पहुंचाने वाली बात यह है कि आग लगने के दौरान गोदाम में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी की न तो जान गई और न ही कोई घायल हुआ। लेकिन इस आग की लपटों ने आसपास के मौजूद कई घरों को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यह घटना आज सुबह 5 बजे घटित हुई है, और जहां आग लगी है वह रिफाइंड तेल का गोदाम था। हालांकि अब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि आग कैसे लगी। बराबर की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की तैयारी शुरू। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरीय पुराविदों की टीम के द्वारा बिहार के जहानाबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध बराबर की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा दिलवाने के लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, ताकि इस प्रस्ताव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के पास भेजा जा सके। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 से 5 माह में यह प्रस्ताव यूनेस्को को भेज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले यह प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय को भेजा जाएगा और फिर निदेशालय के द्वारा इस प्रस्ताव को यूनेस्को को भेजा जाएगा। मालूम हो कि इस गुफा को लेकर पुराविदों का कहना है कि अगर बराबर की गुफाओं को विश्व स्तर पर देखा जाए तो पूरे विश्व में ऐसी कोई गुफा नहीं है जो मानव कृत है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का आखिरी मौका। अगर आप भी अपना पीजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी करने का आखिरी मौका है। दरअसल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को CUET की परीक्षा देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके पास CUET पीजी के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है, क्योंकि कल यानी कि 19 अप्रैल CUET पीजी के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन है। इसलिए इच्छुक और योग्य छात्र 19 अप्रैल शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र में सुधार करने की तारीख 20 से 23 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। बता दें कि इसकी परीक्षा की शुरुआत 1 जून से होगी, जो कि 10 जून 2023 तक चलेगी। अब पटना के स्कूलों में होगी साइबर सुरक्षा का पाठ। बिहार की राजधानी पटना में स्कूली बच्चों को डिजिटल खतरे से बचाने के लिए और अभिभावकों को डिजिटल पेरेंटिंग के महत्व को समझाने के लिए CBSE की ओर से स्कूल प्रबंधकों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को PPT के माध्यम से साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, जो कि सीनियर और जूनियर के सेक्शन के लिए अलग अलग बनेंगे। वह इन सभी चीजों से पहले शिक्षकों को इस बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए स्पेशल क्लास आयोजित किए जाएंगे। मालूम हो कि बच्चों और अभिभावकों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताने के लिए CBSE के द्वारा किताबें भी प्रकाशित की गई है, जिसे ऑनलाइन भी प्रकाशित किया जाएगा। इनमें स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। राज्य में एयरपोर्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में एयरपोर्ट स्थापित करने, विकास, विस्तार और सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के संबंध में केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार से यह बताने को कहा गया था कि राज्य में नए एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और उनकी क्या योजना है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह बाद की जाएगी। अब MBBS कोर्स के लिए नहीं होंगी अलग अलग फीस। बिहार में डॉक्टर की तैयारी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस अलग अलग नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के बिहार शुल्क निर्धारण समिति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में मौजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में MBBS की कोर्स की फी तय कर दी गई है। यानी कि अब ये सभी कॉलेज मनमाने तरीके से छात्रों से पैसे नहीं ले पाएंगे। बता दें कि समिति के द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ट्यूशन फीस 6.94 लाख रुपए से लेकर 15.50 लाख रुपए तक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को संस्थान को हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और मेस वगैरह का शुल्क अलग से देना होगा। मोतिहारी शराब कांड को लेकर DM ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर SP कांतेश कुमार मिश्रा के बाद अब मोतिहारी DM के द्वारा भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल DM के द्वारा इस मामले को लेकर उत्पाद विभाग के 7 पदाधिकारियों से कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। DM के द्वारा की जा रही कार्रवाई से अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही मोतिहारी DM और SP के द्वारा ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा गया है कि वह किसी भी विषाक्त पदार्थ का सेवन न करें। बिहार में कोरोना के 87 नए मामले। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीते दिन राज्य में कुल 87 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 546 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीते दिन मिले इन 87 नए मामलों में सबसे ज्यादा मामले बिहार की राजधानी पटना से सामने आए हैं। मालूम हो कि पटना से कुल 35 मरीज मिले हैं। वहीं इसके बाद मुंगेर से 13, भागलपुर से 11, दरभंगा से 5, गया से 2, गोपालगंज से 1, जहानाबाद से 1, खगड़िया से 3, मधुबनी से 2, नालंदा से 1, पूर्णिया से 9 और सारण से 1 मरीज मिले हैं। वहीं अगर देश की बात करें तो देश में बीते दिन कुल 7633 नए कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 61233 हो गई है। केवल 3 घंटे तक ही लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि अब तक राज्य में 500 से अधिक कोरोना मरीज मिल चुके हैं। हालांकि अब सरकार की ओर से सभी जिलों को बूस्टर डोज दे दिया गया है और सोमवार से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत भी हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बूस्टर डोज लगाने की यह सुविधा
केवल एक अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है जो कि न्यू गार्डनर रोड अस्पताल है, लेकिन यहां डोज लगवाने का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि निर्धारित किए गए समय के अनुसार बूस्टर डोज देने का समय सुबह 9 बजे से शुरू होगा जो कि 12 बजे तक चलेगा। वहीं बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए जो डोज दिए जा रहे हैं उसका नाम कोवोवैक्स वैक्सीन है। बिहार में खनन अधिकारियों पर बालू माफियाओं के हमले को लेकर बीजेपी आरजेडी का बयान। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में बालू माफियाओं के द्वारा खनन अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के साथ की गई मारपीट पर बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि एक तरफ जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधियों पर कार्रवाई जारी है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश हम लोग पहले ही दे चुके हैं और वैसा ही काम प्रशासन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की छापेमारी चल रही है, ऐसी गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक नीरज बबलू के द्वारा कहा गया है कि बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण है, यहाँ सरकार के अधिकारी छापेमारी करने जाते हैं और सरकार के संरक्षण में पल रहे बालू माफिया उन पर हमला करते हैं और उन्हें बेरहमी से मारते हैं। यहाँ तक यह भी नहीं देखते हैं कि उनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, जिसके साथ ऐसा होने पर बिहार की छवि कैसे सामने आएगी। यह साबित हो गया कि बिहार में शासन प्रशासन पर मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को दिया तीखा जवाब। भारतीय टीम के दो दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच दिन प्रतिदिन विवाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों के बीच तकरार का वीडियो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस मामले ने जोर तब पकड़ा जब सोमवार को विराट कोहली ने सौरव गांगुली को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। वहीं अब विराट कोहली के इस जवाब को सौरव गांगुली के द्वारा भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। दरअसल सौरव गांगुली के द्वारा भी विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद की शुरुआत भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर हुई थी। कोहली ने कहा था कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 प्रारूप में कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि वनडे और टेस्ट की कप्तानी करना जारी रखेंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वही पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिनों हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, बिट्टू कुमार राज, रवि कुमार राम, अनिल महतो, सैलजा कुशवाहा, रंजीत मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, कुमारी संजना, सलमान अली, कुश कुमार यादव, बबली कुमारी, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।